टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर सो देखते हैं कि सेल्स क्या है दे आर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करते हैं और बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी हेल्प करते हैं और ये इतने स्मॉल हैं कि दे कांट बी विजिबल विद अ नेकेड आइस सो माइक्रोस्कोप से ही विजिबल होते हैं ये And cells together form tissues, tissues together form organ, and organ together form organ systems. Now, as we know that. द ह्यूमन बॉडी इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल मोनो न्यूक्लिएटेड सेल जिसका नाम जायगोट है ये कैसे बना है स्पर्म एंड एक्ोलीजन से बना है राइट right? अब जब ये जयगोट सेल डिविजन के अंडर जाएगा तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन वाले सेल्स को बनाएगा बट उनमें खासियत ये होगी कि सभी के पास सेम जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि zygote का था और ये जो इंडिविजुअल सेल्स हैं ये हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही दिखने पॉसिबल होते हैं और अब हम पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल अब सेल में क्या क्या होता है सबसे पहले इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि आउटर कवरिंग ऑफ सेल बनाता है सेकेंडली साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म किसे बोलते हैं ये एक फ्लूइड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स सस्पेंडेड है मीन्स की प्रेजेंट है अभी ऑर्गेनल्स क्या होते हैं ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं ये स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं जिनके अपने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं अब इनके नाम क्या क्या है न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम गोल्जी अपेरिटिस लाइसोसोम्स एंड साइटोसकेलेटन है अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इट इज़ द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल राइट इसका मेजर काम क्या है ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स को सेफ करता है और ये सेमी परमिएबल है इट मीन्स ये अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ सब्सटैंसेज इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन न्यूक्लियस न्यूक्लियस को लार्जेस्ट ऑर्गेनेल भी कहा जाता है बॉडी के सभी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मेच्योर आरबीसी में इनिशियली क्या होता है कि आरबीसीस के पास न्यूक्लियस होता है पर जैसे ही वो ब्लड स्ट्रीम में उतरते हैं वो अपना न्यूक्लियस इजेक्ट कर देते हैं और क्या करते हैं एच को ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं ताकि बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके दूसरा न्यूक्लियर एनवेलप होता है जो कि छोट छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं उस पर और वो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस के लिए हेल्प करता है विद इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में बॉडी का जेनेटिक मटेरियल जिसे डीएनए कहते हैं वो स्टोर होता है और वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करता है और इसमें न्यूक्लियोलस नाम का एक छोटा सा रफ स्पेरिकल पार्ट होता है उसका क्या काम होता है कि प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करना और उसको ऑर्गेनाइज करना स्टोर करना जो कि राइबोजोम्स के थ्रू हमें सेल्स में प्रोवाइड होता है उसको मेनटेन रखना न्यूक्लियोलस का काम होता है नेक्स्ट we are going to talk about mitochondria so what is mitochondria it is a membranous sausage shaped structure in cytoplasm ये फ्लूड के अंदर एक सॉसेज शेप में पड़ा होता है जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो ये इसकी शेप है और इसकी स्पेशलिटी क्या है इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है क्यों बोला जाता है क्योंकि ये केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है जनरेट करता है अब केमिकल एनर्जी है वो किस फॉर्म में हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगी सेल के अंदर मिलेगी ये प्रेजेंट होती है ए फॉर्म में दैट इज एडिनोसिन ड्राई फॉस्फेट अब ये जो केमिकल एनर्जी है ये हमारी बॉडी को यानी सेल्स को एसेंशियल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में काम करने के लिए हेल्पफुल होती है एनर्जी प्रोवाइड करती है और जो बॉडी के सबसे ग्रेटेस्ट सेल्स होते हैं जो कि मोस्ट एक्टिव होते हैं उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनका जो नंबर है वो ज़्यादा पाया जाता है मींस ज़्यादा माइटो हमें ज़्यादा एक्टिव ऑर्गन्स में मिलेंगे राइबोसोम्स नॉट आर राइबोसोम्स दीज आर टाइनी ग्रैन्यूल्स मेडअप ऑफ आर एन एंड प्रोटीन्स ये एक बहुत छोटे छोटे ग्रैन्यूल पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो कि किस चीज़ से बने हैं आर एन एज वेल एज प्रोटीन्स के साथ बने हैं इनका काम क्या है राइबोसोम्स का ये प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं और किसके थ्रू ये प्रोटीन बनाते हैं अमीनो एसिड से बनाते हैं ये और किसकी हेल्प से बनाते हैं आर की हेल्प से बनाते हैं राइट right? ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं अमीनो एसिड के थ्रू ये प्रोटीन्स बनाते हैं नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम होते क्या हैं ये एक ट्यूबुलर फॉर्म में मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं इसकी दो टाइप्स होती है फर्स्ट ये स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसे एस भी कहा जाता है एंड सेकंड रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम होता है जिसे आर ई आर कह के डिनोट कर सकते हैं राइट अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है इसकी स्मूथ अपीरेंस इस वजह से है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं अटैच्ड होते हैं और इनका जो मेन पर्पस है काम है वो रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन्स बने हैं उनको प्रमोट करते, है, करते हैं सॉरी ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ पे दूसरे सेल ऑर्गेनल्स की तरफ स्पेशली चूदक गोल्जियपेरिटिस और ये क्या काम करते हैं ये लिपिड्स एंड स्टीरॉयड सिंथेसिस में काम करते हैं स्टीरोइड हार्मोन्स बनाने में और इनका जो मेजर काम है ये है रिप्लेस एंड रिपेयर करना किसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑर्गेनल्स को दूसरी तरफ रफ एंडोप्लाजमिक क्रेटिकुलम क्या होते हैं इनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इनके साथ अटैच्ड होते हैं इसलिए कहा जाता है दीज आर स्टडीड विथ राइबोसोम्स जो कि इसकी अपीयरेंस को रफ लुक देते हैं इसीलिए इनको रफ एंडोप्लासमिक रेटिकुलम कहते हैं ये जो सिंथेसिस करते हैं ये प्रोटीन्स की करते हैं उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे सेल ऑर्गेनल्स को अब नेक्स्ट पार्ट है गोल्जियोपैरिटिस इसको सेल्स का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है ये जो गोल्जियोपैरिटिस हैं ये राइबोजोम्स से प्रोटीन्स को रिसीव करते हैं और उन्हें पैक करके एक मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स यानी कि सिक्रिटरी ग्रैन्यूल्स के रूप में स्टोर कर लेते हैं और जहाँ जहाँ भी सेल्स में इनकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वहाँ इनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ये अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो ये फ्लैटेंड सेल्स हैं जो सैक्स के रूप में क्लोजली अटैच्ड हमें दिखते हैं राइट right? अब आगे बात करते हैं लाइसोसोम्स की लाइसोसोम्स क्या होते हैं ये बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर हैं जो सेल में पाए जाते हैं इनका मेन काम क्या होता है इनको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से डिनोट किया जाता है क्यों क्योंकि जैसे ही सेल अगर खराब हो जाए तो इनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं राइट इसकी मेजर प्रॉपर्टी ये है कि ये ब्रेकडाउन करता है एक्सेस और वोन आउट सेल के पार्ट्स को राइट right? जो एक्सेस में है सेल का पार्ट उसको ब्रेकडाउन कर देता है और जो खराब हो गए हैं उसको ख़त्म कर देता है और ये बॉडी में एंटर होने वाले वायरसेस एंड बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है राइट right? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइटोस्केलेटिन साइटोस्केलेटिन क्या है साइटो साइटोमीन्स सेल एंड स्केलेटिन मीन्स उसका स्ट्रक्चर इट मीन्स जो साइटोस्केलेटिन है वो स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस के लिए हेल्प करता है उसको शेप अप करता है और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है और कैसे मेंटेन रखता है इसके बारे में बात करते हैं इट प्रोवाइडस मैकेल सपोर्ट दैट एनेबल्स टू कैरी आउट एसेंशियल फंक्शंस लाइक डिवीजन एंड मूवमेंट यानी कि डिवीजन और मूवमेंट में भी काम करता है राइट right? इसके तीन डिफरेंट टाइप्स है सबसे पहले है माइक्रोफिलाेंट्स माइक्रोफिलाेंट्स क्या होते हैं ये छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं स्ट्रक्चर्स एंड शेप को मेंटेन करने में और ये कॉन्ट्रैक्शन को भी परमिट करते हैं फॉर एग्जांपल मसल सेल्स राइट सेकंड है माइक्रो ट्यूब्यूल्स माइक्रो ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं प्रोटीन फाइबर्स होते हैं ये इनकी स्पेशलिटी क्या है ये हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स विद इन द सेल और ये क्रोमोजोम को भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन और आगे ये सेल एक्सटेंशन में काम करते हैं सेल एक्सटेंशन अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट है सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम क्या है ये एक बाउंडेड पेयर ऑफ सेंट्रो सेंट्रियोल्स का और ये क्या काम करता है ये सेल डिवीजन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेक्स्ट है सेल एक्सटेंशन सेल एक्सटेंशन थ्री टाइप्स के हैं माइक्रोविलाई ये टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि सेल के सरफेस एरिया को कवर करती है और इनका मेन काम होता है एब्जॉर्बन का नेक्स्ट है सीलिया ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ द मटेरियल अक्रॉस द सेल सरफेस थर्ड है एंड लास्ट है फ्लैचिला फ्लैचिला क्या है ये लॉन्ग विप लाइक विप मींस चापुक लाइक प्रोजेक्शन है जिसमें ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ये सेल की मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं इसकी कॉमन एग्जाम्पल है टेल ऑफ स्पर्मेटोजोआ सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर थैंक यू सो मच